मूवीज में फैंटेसी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो अपनी स्टोरी सिनेमाटोग्राफी कॉन्सेप्ट से आपको आपकी कल्पना से परे ले जाकर एक ऐसी दुनिया दिखाए जो आप सोच ना पाए। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही टॉप 10 फैंटेसी मूवी जो आपको एक नई दुनिया पर ले जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन विद अ शॉर्ट इंट्रो। दसवें नंबर पर आती है 2013 में आने वाली मूवी ब्यूटीफुल क्रिएचर, जिसे डायरेक्ट किया है लिचल लेग्रानीज ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो कहानी घूमती है एक टीनेजर बॉय इथन के अराउंड, जो कि अपना कॉलेज कर रहा होता है। मूवी का टर्निंग पॉइंट है जब कॉलेज में एक न्यू लड़की लेना आती है, जहां क्लास के सारे लोग उसे विच मानते हैं, पर इथन को लेना के साथ एक तरीके का अटैचमेंट हो जाता है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट, जहां इस फैंटेसी रोमांस मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.1 out of 10। नौवे नंबर पर आती है 2013 में आने वाली मूवी जैक द जायंट स्लेयर, जो डायरेक्ट किया है ब्रायन सिंगर ने। मूवी में हमें जैक, जो कि एक फार्मर का बेटा होता है, जो घोड़ा सेल करने के लिए बाजार जाता है, एक पर्सन उस घोड़े के बदले जैक को सीट देता है और कहता है सीट को चर्च पर देकर जैक को उसकी कीमत मिल जाएगी। मूवी का टर्निंग पॉइंट है जब वो सीट पानी में जाकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है मूवी की स्टोरी एक्टिंग, जहां इस फैंटेसी एडवेंचर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.3 out of 10। आठवें नंबर पर आती है 2005 में आने वाली मूवी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, जिसे डायरेक्ट किया है एंड्रयू एडमसन ने। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है लूसी नाम की लड़की से, जहां वो वार्डरोब से मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। इसका नाम मूवी में नार्निया होता है, जिसके बाद लूसी अपने दो ब्रदर्स और एक छोटी बहन के साथ ज्वाइन करती है असलान को, जो कि एक लॉयन होता है, जहां वो फाइट करते हैं जेडिस नाम की विच के साथ। इस फिल्म के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। इसका पहला पार्ट 2005 में आया था, दूसरा 2008 में और तीसरा 2010 में आ चुका है, जहां इस फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.9 out of 10। सातवें नंबर पर आती है 2010 में आने वाली मूवी प्रिंस ऑफ पर्सिया, जिसे डायरेक्ट किया है माइक न्यूवल ने। मूवी घूमती है दस्तान के अराउंड, जो कि अडॉप्टेड सन होता है किंग्स ऑफ पर्सिया का। मूवी में दस्तान को एक ऐसा टाइगर मिलता है जो कि टाइम को रिवर्स करता है, जहां एक हादसे के दौरान किंग ऑफ पर्सिया की डेथ हो जाती है और उसका ब्लेम दस्तान पर लगाया जाता है। जहां दस्तान को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी कॉन्सेप्ट और एक्शन सीक्वेंस, जहां इस एक्शन एडवेंचर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.6 out of 10। छठे नंबर पर आती है 2016 में आने वाली मूवी वॉरक्राफ्ट, जिसे डायरेक्ट किया है डंकिन जॉन्स ने। मूवी हमें फिक्शन वर्ल्ड को दिखाती है, जहां ऑक नाम के जीव रहते हैं, जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। जहां उस ग्रुप का लीडर, जिसका नाम गुल्दान होता है, जो ब्लैक मैजिक का यूज करके दूसरी दुनिया का रास्ता खोलता है। मूवी घूमती है दुरातन और उसकी वाइफ के अराउंड, जो कि ऑक होते हैं। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी यूनिक स्टोरी कॉन्सेप्ट और कमाल का VFX, जहां इस फैंटेसी एक्शन मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.8 out of 10। पांचवें नंबर पर आती है 2014 में आने वाली मूवी मेलेफिसेंट, डायरेक्ट किया है रॉबर्ट स्टॉमबर्ग ने। मूवी में हमें दो टाउन दिखाए गए हैं, एक जहां ह्यूमंस रहते हैं और एक जहां फेरी रहती हैं। जहां फेरी लैंड में एक फेरी, जिसका नाम मेलेफिसेंट होता है, एक इंसानी ऑर्फिन से प्यार कर बैठती है, जहां वो ऑर्फिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेलेफिसेंट से धोखा कर लेता है, जहां ये लव स्टोरी रिवेंज में बदल जाती है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी स्टोरी, VFX और सिनेमाटोग्राफी, जो इस मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है, जहां इस फैंटेसी एडवेंचर मूवी को IMDb पे मिलते हैं 6.9 out of 10। चौथे नंबर पर आती है 1989 में आने वाली मूवी गोस्टबस्टर्स, जो डायरेक्ट किया है आइवन रिटमैन ने। मूवी में एक टीम, जो कि यूनिवर्सिटीज में गोस्ट को कैप्चर करती है, जहां यूनिवर्सिटीज से फंडिंग बंद होने के बाद वो आपस में ही एक टीम बना लेते हैं, जिसका नाम वो गोस्टबस्टर रखते हैं। जहां मूवी में साइंटिफिक टूल का यूज करके वो गोस्ट को कैप्चर करते हैं। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसकी यूनिक स्टोरी कॉन्सेप्ट और कॉमेडीज के कारण मूवी अपना इंटरेस्ट बनाए रखती है, जहां इस साईफाई फैंटेसी मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.8 out of 10। तीसरे नंबर पर आते 2012 में आने वाली मूवी द हंगर गेम्स, डायरेक्ट किया है गाय रोज ने। मूवी में पैनम नाम के सिटी को दिखाया गया है, जिसके 12 डिस्ट्रिक्ट है, जहां इन 12 डिस्ट्रिक्ट में से फाइटर्स चुने जाते हैं एक गेम के लिए, जिसका नाम हंगर गेम होता है। जहां गेम में चुने हुए कंटेस्टेंट अपनी जान को बचाने के लिए दूसरों की जान लेते हैं। इस मूवी के अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं, जो कि 2012 से 2015 तक है, और इसका 5वां पार्ट 2023 में आने वाला है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है इसका कॉन्सेप्ट और एक्शन, जहां इस साईफाई फिक्शन मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.2 out of 10।
दूसरे नंबर पर आती है 2007 में आने वाली मूवी स्टारडस्ट, जिसे डायरेक्ट किया है मैथ्यू वॉन ने। मूवी में हमें एक टाउन को दिखाया गया है जहां एक बड़ी दीवार दिखाई गई है जो कि उस टाउन को मैजिकल टाउन से जोड़ती है, जहां एक आदमी उस दीवार को पार कर एक मैजिकल टाउन में जाकर एक लड़की से प्यार कर बैठता है जो कि विच के कब्जे में होती है, जहां उन्हें उससे एक बच्चा होता है पर विच उस बच्चे को रखने नहीं देती। मूवी घूमती है उस बच्चे के अराउंड जो कि अपनी माँ को ढूंढता है, और इस सफर में उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। और इस फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा मूवी को IMDb पे मिलते हैं 7.6 out of 10। Armed with the foreknowledge of my own death, I knew the giant couldn't kill me. पहले नंबर पर आती है 2003 में आने वाली मूवी बिग फिश, जिसे डायरेक्ट किया है टिम बार्टन ने। मूवी में विल जो कि अपने फादर एडवर्ड की काल्पनिक कहानियों से परेशान रहता है, जिसके कारण विल और एडवर्ड के रिलेशन काफी स्ट्रेसफुल रहा करते थे। इसके कुछ सालों बाद विल के फादर एडवर्ड को कैंसर के कारण बीमार पड़ जाते हैं, जहां विल जो कि एक जर्नलिस्ट होता है अपने पिता की कहानियों की छानबीन करता है। मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है मूवी की स्टोरी स्क्रीन प्ले, जिसके कारण ये 2 आवर की मूवी आपको स्क्रीन से बांधे रखती है, जहां इस एडवेंचर ड्रामा कॉमेडी मूवी को IMDb पे मिलते हैं 8 out of 10। तो ये थी हमारी टॉप 10 फैंटेसी मूवी की लिस्ट, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं अपनी फेवरेट फैंटेसी मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट मूवीज, वॉच बेस्ट एंड डू बेस्ट।